हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है हमारे व्यूवर्स ने पूछा है वो ये कहते हैं कि उन्होंने भी पार्लर की सर्विस देनी है, यानी पार्लर ओपन करना है, तो कौन कौन सी किट्स रखें अपने पार्लर पे। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी कि पार्लर में फेशियल के प्राइस क्या रखें, लेकिन मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि कौन कौन सी किट रखें। ये भी बताया था कि अगर क्लाइंट अपनी किट ले आए तो उस पर कितना प्राइस लें, और ये भी बताया था कि पार्लर वो क्लाइंट अपने किट लाए तो करें या ना करें, या प्राइस किस तरह से लें, सब कुछ मैंने आपको बताया है। ये नहीं बताया कि पार्लर में फेशियल कौन कौन से रखें। देखिए, आज मैं आपको ये क्लियर करने जा रही हूँ, जब भी आपको फेशियल की सर्विस दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, कोई भी इस तरह की, तो आपको जो आपको फेशियल आपके पार्लर में अवेलेबल होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि अगर आप स्मॉल लेवल के एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि स्मॉल लेवल पर एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, अपना पार्लर ओपन कर रहे हो, तो आपको जो अपनी फेशियल किट्स हैं वो छोटे साइज़ की यूज़ करें। जो छोटे साइज़ की फेशियल किट्स हैं ना, वो आपको नियर अबाउट 150 से 200 की रेंज में एक किट मिल जाएगी, इसके बीच में मिल जाएगी, शायद इससे कम में भी मिल जाए, ठीक है, यानी कि इसी रेंज में मिलेगी, 150 की रेंज और 200 की रेंज के बीच में एक किट मिल जाएगी आपको। और उस एक किट में आप कम से कम तीन फेशियल कर सकते हो, ठीक है ना, तीन फेशियल आराम से कर सकते हो। चार्ज मैंने आपको पहले बताए थे कि क्या चार्ज रखने हैं फेशियल किट के, वो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। और क्लाइंट अगर लाए तो भी मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। तो अभी पार्लर में कौन कौन सी किट रखनी है, जो सबसे कॉमन फेशियल्स होते हैं, सबसे कॉमन फेशियल कौन से होते हैं, फ्रूट, डायमंड एंड गोल्ड। क्लाइंट्स आके ना यही पूछते हैं, फ्रूट डायमंड का कराएं या गोल्ड का कराएं, क्योंकि उनको सिर्फ फ्रूट डायमंड और गोल्ड से आगे वो जाते ही नहीं हैं, वो जाते इनको पता ही नहीं होता कि इसके अलावा और कौन से फेशियल हैं, इसलिए वो फ्रूट डायमंड और गोल्ड पे आके रुक जाते हैं। मैक्सिमम लेडीज़ को ये नहीं पता होता कि इसके अलावा और कौन से फेशियल्स होते हैं, बहुत कम को ये नॉलेज होती है। तो ये तीन तो आपको ज़रूर रखनी है, फ्रूट डायमंड और गोल्ड। इसके अलावा आप ऑक्सी की रखें, ऑक्सी ये भी आपको इसी रेंज में छोटे किट मिल जाएगी, इसी रेंज की किट्स बता रही हूँ मैं, जो छोटे किट हैं 150 से 200 की रेंज के बीच में किट हैं। नेक्स्ट आप D10 की किट ज़रूर रखें, छोटी किट D10 की। और ये पांच किट ना आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, 5 किट्स कौन कौन सी हैं, फ्रूट डायमंड गोल्ड ऑक्सी और D10। ये क्योंकि कोई D10 अलग चीज़ होती है, फेशियल्स अलग चीज़ होते हैं। इस अभी देखिए कि ये तो हमारे हो गए नॉर्मल से फेशियल, जो आपको 150-200 की रेंज में आपको किट छोटी किट्स मिल जाएंगी, आपको बड़ी किट बाय मत करें। बड़ी किट आपको नियर अबाउट 1000 की रेंज में मिलेगी, और 1000 की रेंज में आप एक किट लोगे तो यहाँ पे आपको 1000 की रेंज में 5 किट्स मिल जाएंगी, और हर एक किट में आप 3 फेशियल्स आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो छोटी किट से स्टार्ट करें। अगर आपका क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बड़ी किट्स की तरफ जाएँ। तो जब तक आप बड़ी किट की तरफ जाओगे तब तक आपके हाथ में पैसे भी होंगे। अगर आप बड़ी किट लेने का सोचोगे ना, तो इसका मतलब आपके हाथ में पैसे होंगे, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं फेशियल्स के लिए, किसी भी सर्विस के लिए आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है ना, तभी आप बड़ी के बारे में सोच रहे हो, अदरवाइज़ नहीं सोचोगे आप। सेकेंड, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा किट्स होंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे और चॉइसेस होंगी कस्टमर के पास भी। अभी ये तो है नहीं है कि कस्टमर आया और आप किट लेने जाओगे पहले कि मैं किट लेके आती हूँ फिर करते हो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अब आप और क्या कर सकते हो, आप उन्हें किट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे कि मेरे पास ये है ये है ये है। अब स्टार्टिंग में आप 4-5 या एक आधी और जो अभी आप देख लीजिएगा कि 6-7 किट्स रख लें। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने अभी बड़ी किट मत लें, बड़ी मीन्स से O3 या O3 अगर लेनी है ना तो एक ही किट लें, क्योंकि बड़ी किट आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। एक जितने में आपके सारे किट्स आएंगे ना, उतने में आपकी एक बड़ी किट आएगी। बड़ी मीन्स टू से बड़ी नहीं होगी, वो अच्छी किट होगी, जैसे O3+ की है, अच्छी कंपनी की किट आएगी, लेकिन उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। जितने में आपके वो सारे किट्स आते हैं ना, उतना आपका O3+ का एक आएगा। O3+ के अलग अलग स्टेप्स में किट आती हैं, 4 स्टेप की भी आती है, 7 स्टेप्स की भी आती है, 10 स्टेप्स की भी आती है, 12 स्टेप्स की भी आती है।
तो आप अगर आप रखना चाहते हैं, ओ थ्री प्लस की रखना चाहते हैं, तो आप फाइव स्टेप वाली रख सकते हैं, ठीक है। एक पर्सन, सिंगल पर्सन के यूज़ के लिए रखें, पूरी किट लेने की यूज़ नहीं है, क्योंकि ये सिंगल पर्सन के लिए यूज़ कहती है। अगर आप इसकी पूरी किट लोगे ना, तो वो 4-5 thousand की रेंज में चली जाएगी। तो आप सिंगल पर्सन के किट के यूज़ के लिए रखें ओ थ्री प्लस की, ठीक है। सिंगल ऐसे ओजोन की एक किट, यानी एक पर्सन की यूज़ की ओजोन की रख ली, दो दो अच्छी रख लें, ठीक है। बाकी जो छोटी किट्स हैं वो रख लें, क्योंकि उनके रेट भी हाई ही होते हैं, किट महंगी आती है तो रेट भी हाई ही होते हैं। तो ये सब किट अपने पार्लर में, आपके पार्लर में होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट्स के साथ ऑप्शन हो, ये नहीं तो मैं ये करा लूँ, ये नहीं तो मैं ये करा, उनके पास ऑप्शन होने चाहिए। ये नहीं कि वो डायमंड कराने आए कि चलो जी डायमंड ही कर दो, आप कहोगे मेरे पास तो और कोई है ही नहीं है, मेरे पास तो डायमंड ही है। उसे ऑप्शन भी तो दो ना, कि मेरे पास ऑक्सी भी है, आप ऑक्सी भी ले सकते हो, बस ये भी है, ये भी है, आपकी आपकी स्किन पे सूट करेगा, ये भी है। तो बहुत सारे फेशियल्स आप कर सकते हो। तो चॉइसेस रखें, छोटी किट्स रखें, और जो बड़ी किट होती हैं वो सिंगल पर्सन के यूज़ के लिए रखें, एक एक किट। प्राइजेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और आई होप सो कि ये सफिशेंट है। साथ में आप एक बड़ा पैक भी रखें। बड़े पैक कैसे, कि जैसे मैंने ऊपर देखिए मेरे बड़े पैक पड़े हैं, ये सारे ऊपर ना बड़े पैक पड़े हैं मेरे, ठीक है ना। इस तरह के पैक्स भी रखें, बड़े पैक भी मेरे पैक में रखें, क्योंकि हर एक चीज़ आप मान लीजिए कस्टमर क्लाइंट जो आया है, आप वो स्क्रब कराने आया है, आपने छोटी किट से स्क्रब निकाला और कर दिया, तो क्या हुआ, आपने छोटी किट से स्क्रब निकाला उस किट का तो प्रोडक्ट कम हो गया ना, सिर्फ स्क्रब करने में ही। तो आप स्क्रब भी, और ये चीज़ें अलग से भी रखें, ताकि अगर कोई आ जाए तो आप उसको कर सकें, तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, कम बजट में आपके ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी किट लोगे ना, एक बार भी आप सोचोगे एक ही बार में मुझे तो बड़ा लेना है, ज़्यादा किट नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी तो आपके बजट में फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जब आप स्मॉल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि फेशियल के प्राइस क्या रखें, अगर क्लाइंट अपने किट लेके आया है तो प्राइस क्या लें, तो आप मेरी जो पहली वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।